छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप न्यूज 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झटकुन डाउनलोड करो। जय जोहार। कांकेर जिला में नवा पदस्थ पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के द्वारा अपराध के रोकथाम और मादक पदार्थ गांजा अवैध शराब तस्करमन के विरुद्ध कांकेर जिला के सभी थाना प्रभारी मनला सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जगह परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के दिशा निर्देश और SDOP तस्लीम आरिफ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देशमुख के द्वारा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ गांजा और अवैध शराब तस्कर के धर पकड़ और कार्रवाई पर कांकेर थाना में नौ पदस्थ उप निरीक्षक सत्यम साहू, निरीक्षक अजय साहू के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम तैयार करी गई रही है, जिकर द्वारा उक्त शराब के अवैध तस्करी के जानकारी पर मुखबिर लगाए गए रही से। फिर दिनांक 24 तारीख के दोपहर करीबन 3 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि कोंडा गांव तरफ ले नीला रंग के मारुति स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक OD 30A 7026 में भारी मात्रा ले अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा भर के परिवहन करे जाते। कांकेर में नाकेबंदी करके उपरोक्त नीला रंग के स्विफ्ट डिजायर कार ला रोके गई, जेकर तलाशी में कार चालक एंथोनी एंस्तियाओ, जेकर उम्र 27 बछर, निवासी DMK कॉलोनी शास्त्री नगर मलकानगिरी उड़ीसा के, और कार के बगल के सीट में बैठे प्रशांत मंडल मेरले गांजा ला बरामद करे गए, जेकर बाजार मूल्य 3,60,000 रुपया बताए जावत है। SP सर के मार्गदर्शन में लगातार जिले में जो भी अवैध परिवहन के संबंध में अलग अलग टीम गठित करके बहुत लगभग 15 जगह में MCP कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसमें अवैध धान परिवहन के अलावा और जो भी मादक द्रव्य परिवहन होता है उसके संबंध में पतासाजी कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कल थाना प्रभारी देशमुख को उनसे लगाई हुई जो टीम है उनके द्वारा जो ज्ञानी चौक के पास महाराष्ट्र उड़ीसा पासिंग का जो गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट कंपनी का, उसमें लगभग 72 किलो गांजा जो कि 3,60,000 रुपये का बाजार मूल्य है, अनुमानित कीमत है, उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जो दो आरोपी हैं एंथोनी एंतिया और प्रशांत मंडल, जो कि दोनों उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोग अभ्यस्त हैं, इस प्रकार से अभी तक की जानकारी मिला है। अभी इनके संबंध में पूछताछ करने पर अधिक स्थिति स्पष्ट होगी और कहाँ ले जा रहे हैं इस संबंध में अभी पूछताछ करने पर मध्य प्रदेश ले जाना बता रहे हैं, लेकिन अभी इन दोनों आरोपियों का CDR और मोबाइल का डिटेल निकालने पर अधिक स्थिति स्पष्ट होगा और इस पर आगे और कार्रवाई की जाएगी।